हैं, किस तरह से युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के हिसाब से ये प्लानिंग की गई है? देखो, डेमोक्रेटिक सिस्टम में मतदाता को जागरूक करने का काम अकेले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में या IM कहेंगे रिटर्निंग ऑफिसर, उनके बस की बात अकेले की नहीं है। इसमें सारा मीडिया, सारे सिविल सोसाइटीज के लोग और सभी लोग मिलकर काम करें तो ही मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हमने नगर निगम, हेरिटेज में व्यापार मंडल के लोगों को भी बुलाया, उनसे बात की, NGO से बात की, और जो वर्ल्ड टॉयलेट डे था उस दिन मुझे बुलाया गया, तो उस जो दिन था उसको भी मैंने इसमें यूज किया, और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की और सिविल सोसाइटीज की जो महिलाएं वगैरह आई हुई थी उन सबको जागरूक किया और मतदान करने की शपथ भी दिलाई। इसके अलावा हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारियों को भी मतदान के बारे में शपथ दिलाई, नए नए नारे लेखन भी किए हैं, जगह जगह लगवाए हैं, हमने अपनी गाड़ियों के पीछे भी नारे लगवाए हैं, और इसके साथ साथ ही जो हमारे हुपर्स हैं जो घर घर कचरा संग्रहण का काम करते हैं, तो इनमें जिंगल्स भी हैं वो मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु लगाई गई है। कितने हुपर्स हैं सर अपने जिन पर इतना बज रहा है? हमारे अलग अलग हैं, जैसे करीब दोनों नगर निगमों में संख्या होगी करीब 700-800 के आसपास हुपर्स की। और सेल्फी पॉइंट जो बनाएंगे? सेल्फी पॉइंट्स करीब 300 ही करीब सेल्फी पॉइंट्स हम बनाएंगे। अच्छा, जो शाम तक लगभग बन जाएंगे। और इसके अलावा नगर निगम ग्रेटर है वो भी अपने स्तर पे सेल्फी पॉइंट्स बना रहा है। पर्पज ये है कि हर जो बिल्डिंग है उसमें एक सेल्फी पॉइंट हो और उससे अट्रैक्ट हो, लोग बाग देखें और मतदान के प्रति जागृत हों।